हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जून। और आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 11 में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ेंगे के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? नेटवर्क और रेटिकुलम स्केटर्ड इन साइटोप्लाज्म। नेटवर्क और रेटिकुलम जो साइटोप्लाज्म में फैला होता है उसे हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं, ल्यूमिनल, एक जो इनसाइड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पार्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनसाइड होगा तो उसे ल्यूमिनल कहेंगे, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में। राइबोसोम अगर प्रेजेंट होगा तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और अगर राइबोसोम एब्सेंट होगा तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम एब्सेंट है। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है? इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सिंथेसिस करेगा। इन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक साइट है जहाँ पर लिपिड की सिंथेसिस होती है, और इन एनिमल के केस में लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन बनाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग गोल्जी अपरेटस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे आगे आने वाली वीडियोज को देखने के लिए एनसीईआरटी जोन से जुड़े रहें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियोज आपको मिल सके, और अपने दोस्तों से शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का कुछ लाभ मिल सके। और एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को कम समय में और अच्छे से समझने के लिए, इजी लैंग्वेज में समझने के लिए हमारे चैनल को जरूर देखें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।